अबे देखिए फ्रेंड, तीन धारियां हमने बना ली तो 14 फंदे हम इस साइड रखेंगे, 14 ही इस साइड, और 27 फंदों पे अब हम डिजाइन बनाएंगे। जो हम डिजाइन बनाएंगे केबल वाला, वो 12 12 के मल्टीपल से बनेगा और बीच में हमारे 3 फंदे बच जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करना बता देती हूँ आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब धागा पीछे करेंगे, जैसे इसमें हमने 14 बनाए, दोनों साइड 14 14 हैं, बीच में ये 27 फंदे हैं, तो 12 12 24, और 3 फंदे हमारे बीच में बच गए गैप के लिए दोनों केबल के बीच में। ये बैक पार्ट है, ये हमने प्लेन ही बनाया है। अब देखिए इसमें 12 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे, 1 2 3। अब दूसरा केबल, 12 फंदे फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धागा आगे, 14 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और लास्ट का सीधा उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी बनाएंगे। ये जो हम केबल बनाएंगे, ये 10 सिलाइयों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 सिलाइयों का ये डिजाइन है, और 12 12 के मल्टीपल से हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो उल्टी सिलाई की ऐसे सभी फंदे हम उल्टे बना देंगे, फिर अगली सीधी सिलाई दिखाते। अब देखिए फ्रेंड, 14 फंदे तो हमने उल्टे बना लिए, अब धागा पीछे करेंगे। अब इन 12 फंदों में से 3 3, ये जो 6 फंदे हैं, पहले इन फंदों को हम ऐसे इस सिलाई पे ले लेंगे और ये पीछे ले जाएंगे 3 फंदे, और इन 3 को हम पहले बनाएंगे, 1 2 3। अब इन 3 को भी बना लेंगे, तो 6 फंदे हमारे हो गए एक्सचेंज। अब ये बीच वाले फिर हम उधर लेके जाएंगे, और ये वाले पीछे से लेके आएंगे। अब हम एक बार आगे से और एक बार पीछे से, ऐसे 3 फंदे हमने ले लिए, ये उतार दिए, और इनको आगे से ऐसे पकड़ के ऐसे लेके जाएंगे। पहले ये बैक पार्ट वाले फंदे हम बनाएंगे, जो हमने बैक से लाए, ऐसे 1 2 3। अब ये बीच वाले 1 2 3, और धागा आगे करके 3 फंदे हमारे गैप के हैं, 1 2 3, धागा पीछे। अब इन 12 फंदों को फिर से हम एक्सचेंज करेंगे, 2 3, फिर उतारे इनको ऐसे लेके आए, पहले इनको बनाएंगे 2 3, फिर ए वाले 3 2 3। अब ये 6 हैं, इनको हम 3 फंदों को पीछे से पकड़ के लाएंगे, 2 3। पकड़ के रखना है इनको, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर ये नीचे चले जाएंगे, छोड़ेंगे हम इनको। तो 1 2 3 4 5 6। अब धागा आगे करेंगे, ये 14 फंदे हम उल्टे बना देंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर अगली सीधी दिखाते हैं। अब देखिए पांचवी सिलाई, ये 14 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए 1 2 3 फंदे हम सिर्फ सीधे बनाएंगे, और बीच के 6 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, जो हमने साइड से बीच में लेके आए हैं, ऐसे 2 3 4 5 6, और
लास्ट के तीन फिर सीधे, शुरू में भी तीन सीधे और लास्ट में भी तीन सीधे, फिर धागा आगे, तीन फंदे गैप के हैं तो ये हम ऐसे उल्टे बना देंगे। धागा पीछे, अब तीन फंदे सीधे, दो तीन, छह फंदे उल्टे, दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, और ये चौदह फंदे फिर हम उल्टे बना देंगे, और उल्टी सिलाई इसकी छठी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए फ्रेंड, सातवीं सिलाई, ये चौदह फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जो हमने पांचवी और छठी सिलाई बनाई वैसे ही हम बनाएंगे सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं, ये हमारी सेम ही बनेगी। तीन चार पाँच छः, यहाँ पे अभी दूसरी धारी बनी, एक दो, यहाँ पे तीन धारियाँ बनेंगी फिर हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। तीन फंदे गैप के, दो तीन, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, छः उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, तीन फंदे फिर सीधे, एक दो तीन, धागा आगे, चौदह फंदे उल्टे लास्ट के, और उल्टी सिलाई आठवीं पूरी उल्टी, नौवीं सिलाई पूरी इसी सिलाई की तरह बनेगी और दसवीं पूरी उल्टी। फिर मैं आगे दोबारा से आपको बनाना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा एक दो तीन धारियाँ यहाँ बन के आ गई। अब दोबारा से हम यही डिजाइन स्टार्ट करेंगे फिर से। तो देखिए, पहले चौदह फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अब धागा पीछे, बारह फंदे सीधे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, फिर से बारह फंदे सीधे, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, आधा आगे, चौदह फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर मैं आपको इसकी तीसरी सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये चौदह फंदे हमने बना लिए। अब फिर से बीच वाले तीन फंदे हम साइड में लेके जाएंगे ऐसे, और ये तीन हम पीछे से ऐसे पकड़ेंगे सिलाई पे, पहले बीच वाले फंदे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर तीन ये साइड वाले, अब ये तीन हम पीछे से पकड़ेंगे तीन, और ये बीच वाले हम साइड में लेके जाएंगे, एक दो तीन, और तीन फंदे सीधे, फिर गैप के तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब जैसे हमने इसको डिवाइड करा वैसे ही हम ये फ्रेंड इसको भी एक्सचेंज करेंगे बीच वाले साइड में और साइड वाले बीच में। तो ऐसे आप ये दस दस सिलाइयाँ बनाते जाएंगे तो ऐसे बहुत ही सुंदर डिजाइन हमारा बनता जाएगा केबल का। तो ये बना लीजिए आप। तो यहाँ तक हमने जहाँ से मुंडे की कटिंग करी है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस धारियाँ बनाई हैं ये। अगर एक आधी धारी एक्स्ट्रा हो जाएगी डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए तो कोई बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। तो ये बना लीजिए अट्ठाईस धारियाँ। फिर मैं आपको मुंडे की कटिंग और आगे गले की कटिंग करना बताऊँगी।